जहां साइबर क्राइम अब नए नए रूप ले चुका है और रोज हजारों लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। लोग कभी बैंक या पेटीएम से कॉल आने के नाम पर ठगे जा रहे हैं तो कभी आकर्षक ऑफर के लालच में ठग लिए जाते हैं। अब लोग ओटीपी और सीवीवी जैसे संवेदनशील जानकारी देने से बचने लगे हैं तो साइबर ठगों ने भी नए तरीके निकाल लिए। मगर इससे कैसे बचें, इस बारे में रीवा साइबर सेल प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमें समझना होगा कि आज के समय में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। खास तौर पर ऐसे ऑफर्स से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। देखिए साइबर प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने आम जनता से क्या अपील की है। ही उपचार है इसके हिसाब से देखा जाए तो जितना लोग अवेयर, जैसे जैसे हम लोग अवेयर कर रहे हैं वैसे वैसे फ्रॉड करने वाले नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिसमें से मेन जो तरीके हैं, जैसे इस समय चल रहा है सिम 5G का चल रहा है, तो 5G के सिम कन्वर्ट करने के नाम से या फिर आपकी सिम बंद हो जाएगी उसके नाम से अभी हम लोगों ने एक आरोपी भी पकड़ा जामतारा से। और ये इन लोग का तरीका ये रहता है कि सिम निकलवाने के नाम से रिचार्ज कराते हैं, उसी दौरान आपको एक लिंक भेज के एनी डेस्क या टीम व्यूअर से आपका सिस्टम वो हैक कर लेते हैं, जिसके माध्यम से उनको सारी जानकारी मिलती जाती है, OTP या पिन जो भी है, उसके बाद से पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं।